वेलकम टू माय चैनल टीसी द कुकिंग डायरीज। आज आपको बता रही हूँ मैं कुरकुरी भिंडी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली, उनको धोकर रख लिया है और मैंने थोड़ी सी काट ली। मैं थोड़ी सी आपको भी बताती हूँ कि किस तरह से हमें ये भिंडी काटना है, जिसको ये मतलब साइज में आज इस तरह की भिंडी नहीं, छोटी वाली जो आती है, अगर वो ना हो तो बड़ी भी हो तो कोई बात नहीं, बस इसको धो लें और इसका अच्छी तरह से सारा पानी जो है सुखा लें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और इसको इस तरह से काटना है, मैं बीच में से आधी काट लें, बड़ी भिंडी हो तो उसमें से फिर आधी काट लें, मतलब इस तरह से ये इतने बड़े बड़े टुकड़े हमें बराबर ही टुकड़े करना है हमें, मोटे पतले नहीं, ताकि क्या भिंडी हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, कुरकुरी हो जाए। और क्या भिंडी बहुत से लोगों को ज़्यादातर बहुत बच्चों को पसंद होती है और बहुत से लोगों को भिंडी पसंद नहीं होती, लेकिन मैं इस तरह से भिंडी बनाऊंगी, ये वाली कुरकुरी भिंडी के जो लोग भिंडी पसंद भी नहीं करते ना, तो वो भी जो है भिंडी खाना शुरू कर देंगे और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। आप इसको लंच बॉक्स में भी पराठे के साथ, पूरी के साथ या रोटी के साथ दे सकती हैं, घर में दाल चावल के साथ या रोटी के साथ इसको ट्राई कर सकती हैं। और आप बस मेरे साथ बने रहिए और मेरी रेसिपी को देखिए और ट्राई करिएगा। बस मैं सारी भिंडियों को इसी तरह से काट लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए मैंने भिंडियों को अच्छे से कट कर लिया, इस तरह से सारी भिंडी के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक चम्मच के करीब जो है चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो उसकी जगह आप रवा ले सकते हैं। बस इसको हमें जो है ना, इससे क्या होता है बहुत अच्छे जो है ना क्रिस्पी होती हैं हमारी भिंडियाँ। अब हमें इसको क्या करना है, अभी हमने इसमें इसको अच्छे से डाल दिया है चावल के आटे को, और इसको हम अपने हाथ से चावल का आटे को डाल के हमें इसको अच्छे से इस तरह से भिंडी में दबा दबा अच्छे से इसको मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि ये जो चावल के जो बीज है ना, ये सॉरी भिंडी के बीज जो एक्स्ट्रा बीज है, तो इसके जो बीज जो है सारे निकल जाएंगे। बस हमें इसी तरह से करना है। आप चाहें तो इसको एक बड़ी छलनी की हेल्प से इसको छान लें ताकि इसके बीज निकल जाए, नहीं तो हम यूँ हाथ से निकालेंगे ना तो बीज नीचे अलग से रह जाएंगे। और हम इसको अलग से एक बाउल में सारी भिंडियों को निकाल लेंगे, थोड़े से हम दबा दबा के करेंगे ऐसे मसल मसल कर, तो जो भी एक्स्ट्रा बीज है ना इसके भिंडी के, वो सारे निकल जाएंगे। इससे क्या होगा, दो काम होंगे, एक तो हमारे बीज भी निकल जाएंगे और ऊपर से ये जो है हमारी भिंडी बहुत क्रिस्पी बनेगी। और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह जो रवा होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो मिक्सर के जार में थोड़े से दो चार चम्मच चावल लें, उसको पीस लें, तो वो चावल का आटा हमारा रेडी हो जाएगा। बस इसी तरह से हमने ये सारे कर लिए। ये देखिए बीज हमारे यहाँ पर हो गए इकट्ठा। ये देखिए ये जो हमने चावल का आटा डाल के इसको हमने मसला ना भिंडी को, तो इससे क्या हुआ, ये देखिए सारे जो बीज थे एक्स्ट्रा, ये बीज सारे भिंडी के निकल गए हैं ना। और ये सूखी बिल्कुल भिंडी थी तो इसमें ज़रा सा भी इसमें गीलापन नहीं है ना, चिपचिपापन है। अब हम एक बाउल लेंगे और जो ये भिंडी है इसको इस तरह से झटकार झटकार के सारी भिंडी को इस बाउल में डाल लेंगे। आप चाहें तो चलने की हेल्प कर सकते हैं। ये सारी ये बीज है भिंडी के एक्स्ट्रा वो इसमें आ गए हैं, और हम इसको अलग कर देते हैं और ये भिंडी को हम इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं सूखे, ये जो है ना एक चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च का पाउडर है, और एक चम्मच से थोड़ा कम जो है नमक है, और आधा चम्मच हल्दी सॉरी धनिया पाउडर है, और आधे से आधा चम्मच है काला नमक, और आधा चम्मच जो है जीरा पाउडर है, आधे से आधा चम्मच है अजवाइन, और आधे से आधा चम्मच है हल्दी, और आधा चम्मच है चाट मसाला। अब हम ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक चम्मच अमचूर लिया है, वो अमचूर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये जो मसाले हैं ना अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं, और पूरे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। बस अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ढक के रख देंगे 2 से 3 या 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने मसाले में नमक डाला है ना इसमें भिंडी में, उससे सूखी भिंडी थी, अब हम इससे थोड़ा नमक से मॉइस्चर आ जाएगा, फिर उसके बाद बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं भिंडी को रखे हुए, हल्का हल्का इसमें मॉइस्चर आ गया है, बस हमें यही कंडीशन हमें चाहिए भिंडी की। अब यहाँ पर हमने बेसन लिया है 2 चम्मच, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे। और इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें बिल्कुल दबाना नहीं है भिंडी को,
और बस हल्के हाथ से हम जो है इसमें बेसन ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, और ताकि ये सारी भिंडी में हमारी अच्छे से इसकी बेसन की कोटिंग हो जाए। देखिए हमने बेसन को अच्छे से इसमें सारी भिंडी में मिक्स कर लिया है। ये देखिए सब में अच्छे से मसाले की और बेसन की कोटिंग हो गई है। हमने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब आप ध्यान रखें ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए, तेज़, तो ताकि हम भिंडी डालें तो उसमें क्या है हमारी भिंडी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और ये भी ध्यान रखें कि हमें भिंडी को क्या है ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी को। एक से दो मिनट बाद हमें इसका जो है साइज चेंज कर देना है, तो पलट देंगे। यहाँ पर हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी, और आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए किस तरह से हमारी जो भिंडियाँ हैं कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा, बहुत यमी लगती हैं ये भिंडी हैं। और जो लोग भिंडी नहीं खाते ना वो भी भिंडी खाना सीख जाएंगे, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।